हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुजन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत और बहुत स्वागत है। ओके गाइस, आपको मैं ये शर्ट पहनी हुई दिख रही होंगी। एक्चुअली ये जो है मलेशिया की है। मलेशिया के इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे चुना गए थे बॉक्सिंग के लिए, सो वो वहाँ से लेके आए थे एंड उन्होंने मुझे दे दी है। सो मैं पहन के घूम गई हूँ। मैंने कहा मुझे दे दो क्योंकि मुझे व्हाइट कलर की टी शर्ट्स जो है फ्री, बिल्कुल फुली लूज़ जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। सो इसलिए मैंने उनसे ले ली है। एंड आज का मेरा ये जो व्लॉग है वो होने जा रहा है बहुत बहुत स्पेशल। एंड काफ़ी दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, काफ़ी दिन से वीडियोस भी नहीं बनाई थी बिकॉज मेरे एक और पिंपल हो गया था नोज़ में। अगर आपने देखा होगा तो पहले एक सेंटर में पिंपल हुआ था, देन उसके बाद मेरे लेफ्ट में दो पिंपल हुए थे, देन उसके बाद मेरा ये राइट में इतना भयंकर पिंपल हुआ कि 3-4 दिन तक तो मैं खुद को शीशे में देखने के लिए परमिशन नहीं दे रही थी कि मत देख, बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था। देन उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब मैंने यहाँ पे मेरे दो पिंपल हुए थे तो मैंने उसके लिए एक चीज़ करी थी जो छोटे मोटे पिंपल्स के लिए होती है, बट जब आपको भयानक और भयंकर पिंपल हो तो उसके लिए एक ही होम रेमेडी है जो बेस्ट एंड बेस्ट है। और उसके लिए कोई आपको ट्यूब नहीं लगाना है, कोई घरेलू नुस्खा नहीं बनाना है, सिर्फ एक होम रेमेडी है जो है सरसों का तेल और हल्दी। भाई साहब, उसका कोई जोड़ नहीं है, उसका कोई तोड़ नहीं है। अगर सिर्फ आप वो पिंपल में कौन से भयानक पिंपल में अगर वो लगा दे तो वो जड़ से ख़त्म कर देगा पिंपल को, एकदम खलास। मेरा ये पिंपल इवन इतना भयंकर हुआ था कि इसमें तीन चार किले हुई थी और इतनी भयंकर हुई थी कि वो इतना भयंकर लग रहा था कि खुद को देखने में शीशे में डर लग रहा था कैसे देखें अपने आप को। और फिर उसके बाद मैंने जब वो हल्दी और उसका तेल का मिक्सअप लगाया तो वो मैंने 2 दिन या 2.5 दिन ऐसे करके लगाया हुआ, बट भाई साहब उसने इतना अच्छा वर्क किया ना कि उसने पूरी जो कील थी ना वो बाहर निकाल दी अपने आप, मुझे इवन हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। और उससे पहले क्योंकि ऑब्वियसली होता है कि चेहरा बुरा ना लगे तो हम लोग क्या करते हैं उसे निकालते रहते कि सही हो जाएगा, बट प्लीज़ अगर आप लोगों को पिंपल हो रहा है ना, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता रही हूँ, मत छेड़िए, बिल्कुल मत छेड़िए पिंपल को क्योंकि वो इतना भद्दा बना देता है ना। हालांकि हम लड़कियाँ जो होती हैं, लड़कियाँ क्या, लड़के भी सुनते नहीं हैं, जब चेहरे पे पिंपल होता है तो हम सोचते हैं कि जल्द से जल्द वो सही हो जाए, हम लोग मानते नहीं हैं, बट उसको छेड़ते रहते, जो चीज़ मैंने करी और वो मुझे इतनी भारी पड़ी कि मैक्सिमम 4 या 5 दिन वो पिंपल मेरा इतना बुरी तरीके से रहा, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और उसके साथ साथ मैंने वीडियो भी नहीं बनाई इसी बहाने। कौन आया? अच्छा, कोई आ रहा है, मम्मी की फ्रेंड में नहीं, ऐसी हैं मतलब घूमने फिरने के लिए, वो बहुत साथ रहती हैं मम्मी के, तो हम उन्हें दादी जी कहते हैं। और अब मैं तैयारी कर रही हूँ मेरे शोना को स्पंज करने की बिकॉज आज मौसम हो रहा है बिल्कुल बारिश वाला, बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो रहा है, ज़्यादा नहीं बट ठंडा मौसम हो रहा है, बारिश हो रही है। और सो मैं आज सिर्फ शोना को स्पंज दूँगी, पूरा बात नहीं करवाऊंगी अच्छे से क्योंकि ठंडी हो रही है और बच्चा ठंड जल्दी पकड़ लेता है, गर्मी उतनी नहीं लगती जितना बच्चे को ठंड जल्दी लग जाती है। सो उससे स्पंज दूँ, उसके लिए पहले पानी गर्म करती हूँ। एंड मैं हमेशा पानी जो गर्म है वो गैस में करती हूँ, कभी भी गीज़र का या क्या होता है वो जिसमें पानी डंडा डाल के करता है, क्या बोलते हैं जो भी होते हैं, मैं उसमें कभी गर्म नहीं करती हूँ, मैं हमेशा गैस पर ही गर्म करती हूँ। देन उसके बाद मेरे बच्चे को मैं बाथ या स्पंज देती हूँ। चलिए पानी गर्म करते हैं। पैरों पर बिल्कुल भी कपड़ा नहीं रहने देती है, बिल्कुल भी नहीं, मतलब ढकेण बोलते हैं जैसे गढ़वालियों में, वो तो बिल्कुल नहीं रखने देती, नहीं। Look at my face, पता नहीं क्या हो गया। I told you in a previous video कि शादी के बाद आपकी ज़िंदगी में भूकंप आ जाता है एंड आ जाता है।
से मौसी मौसी कनों का पानी गर्म हो चुका है, स्पंज करवा देते हैं। पूरा बाहर गीला गीला हो चुका है, अभी बारिश आई ऐसे करके दुर 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 करके बारिश आई एंड देन उसके बाद दोबारा बारिश बंद हो गई है। चलिए स्पंज करते हैं। मतलब दूसरे के मुंह पे या ऐसे मार देगी और खुद को चोट लगा लेगी और तभी जोर से रोएगी, आतंकवादी। हमारे घर में आतंकवादी, इवन आप वो पीछे कपड़े देख सकते हैं, आजकल बारिश हो रही है तो एक बार कपड़े धोए, फिर उसके बाद वॉशिंग मशीन में एक बार घुमाया और फिर उसके बाद आजकल पूरा घर जो है वो कनों के कपड़ों से भरा हुआ है, उसकी छोटी छोटी ब्लैंकेटों से भर रखा है। पूजा ये तो टूटा हुआ है, वो तो तुमने खो दिया था। ओके सो मेरा शीला लाला रेडी हो चुका है नहीं नहीं करके, है ना मम्मा, है ना मम्मा, है ना, है ना। ओके सो अब इन्हें नहीं नहीं करा दी है, अब इन्हें सुला देते हैं एंड देन उसके बाद मैं जा रही हूँ मार्केट। जो आज स्पेशल थिंग मेरी वीडियो के साथ होने वाली है वो ये है कि आज मैं अपनी वीडियो में आप लोगों के साथ बनाने वाली हूँ होममेड राखी। यस ओ मम्मा जी, हाँ मम्मा जी, हाँ मम्मा जी, हाँ मम्मी जी, चुलाते तो मैं भी चुलाता हूँ, चुला। हाँ सो क्या है, मैं होममेड राखी बना रही हूँ, रक्षाबंधन पास आ रहा है सो इस बार मैंने ऐसा डिसाइड करा है कि मैं होममेड राखी ही बनाऊँगी और होममेड राखी अपने भाइयों को बनाऊँगी। तो उसके लिए मैं अभी शॉप जाऊँगी और कुछ एसेसरीज़ वगैरह लानी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एंड आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि मैं आज वीडियो कैसे बना रही हूँ या राखी होममेड राखी कैसे बना रही हूँ, ठीक है। एंड देन उसके बाद मेरी ये वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं आपके साथ। चलिए Hey guys, so I am ready to go. चलिए चलते हैं, सामान लाते हैं और उसके बाद आपके साथ स्टार्ट करते हैं राखी बनाना। पूजा आ जा भैया, तू भी तो माँ कसम हदी है, हम तेरे लिए लड़का देखने नहीं जा रहे हैं। मेरा पजामा ठीक हो रहा, मेरी टी शर्ट ठीक हो रही, क्या सो फाइनली आई एम बैक टू होम। बैक टू होम इसलिए क्योंकि कुछ सामान लेने गई थी जो कि मुझे हालांकि नहीं मिला, सो मुझे अभी फेविकॉल से ही काम चलाना पड़ेगा एंड वंस अगेन पूजा के ट्यूशन के पुतड़े। सो लेट्स गो, अब स्टार्ट करते हैं बनाना जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली थी एंड स्टार्ट करते हैं होम मेड राखी बनाना। ओके गाइस, तो सबसे पहले घरेलू राखी मतलब घर में राखी बनाने के लिए सबसे पहले जमीन में या कहीं भी अपनी कंफर्टेबल जगह में बैठ जाए, मजाक था, आप चाहे तो जहाँ मर्जी बैठ सकते हैं बस हमें राखी बनाने से मतलब है। और नीचे उन्हें जरा, ये वही है जो उस दिन डोसा खाने आई थी और आज क्या राखी खाने आई है। ओके गाइस, तो राखी बनाने के लिए जो जो हमें चीज़ें घर में चाहिए वो मैं आपको चीज़ें बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले चाहिए हमें नाला, नाला मतलब जो आप घर में नाला यूज़ करते हैं बांधने के लिए, जिसे मौली भी कहते हैं। ये मेरे पास अभी फ़िलहाल ये रेड कलर की है बिकॉज मुझे दूसरी मिली नहीं है, और ये रेड येलो एंड ग्रीन कलर में भी लाती है, वो ज़्यादा अच्छी लगती है। सेकंड थिंग जो हमें चाहिए वो चाहिए राइस, चावल। आप बासमती का यूज़ मत कीजिएगा क्योंकि बासमती बहुत महंगे हैं, मोटे चावल यूज़ कर सकते हैं बिकॉज वो ज़्यादा अच्छे से दिखते हैं। देन उसके बाद आप मेरे पास अभी है ये कलर्ड शीट, बट आप कोई भी ऐसे जैसे आपके पास आपके बच्चे की कॉपी हो तो उसका गत्ता भी यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद मेरे पास एक नाला दूसरे टाइप का है जो येलो इन रेड कलर का है, ये मैं इसको नीचे की साइड पे यूज़ करूँगी। सो स्टार्ट करते हैं घर में राखी बनाना। Oh, 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 oh
पास सेंटर का जो मैंने अभी आपको दिखाया नाला से बना के, आप चाहें तो इसे इतना बड़ा बना सकते हैं, पर इतना बड़ा वो अच्छा नहीं लगेगा हाथों में, क्योंकि वो पुराना ज़माना जा चुका है जब इतनी इतनी बड़ी बड़ी राखियाँ हाथों में रहती थी भाइयों की। बट मुझे ऐसे बनाना है, सो मैं इसे जितना चाहे छोटा इसे बना सकती हूँ, मतलब इसकी मैं कटिंग कर दूँगी, इसे थोड़ा छोटा कर दूँगी। अब बनाते हैं इसके सेंटर का जो हमें इसे सेंटर में लगाना है। चलिए, राखी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। सो मेरी ये राखी आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड हाँ, मैंने इसकी सारे क्या क्या चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल चाहिए नाला जिसे मौली कहते हैं, चावल, राइस, कुमकुम रेड वाला और हल्दी, जो कि चावल, हल्दी और कुमकुम जो है किसी भी चीज़ के लिए शुभ माना जाता है। सो ये है इको फ्रेंडली राखी जो मैंने आपको सिखाई, और इसके साथ साथ आप ये बहुत अच्छी चीज़ है से हेलो हेलो के हेलो ओके। सो ये इको फ्रेंडली राखी है, एंड इवन आजकल क्या होगा, अब स्कूल हो गए हैं, स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे थोड़े दिनों बाद, ये स्कूल अगर अभी चल रहे होंगे, वैसे चल रहे स्कूल पूजा? हाँ, स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं बच्चों के। सो क्या करते हैं टीचर्स, क्या करते हैं स्कूल में बच्चों से राखी बनवाते हैं, तो ये बहुत ही इजी राखी है जो आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। एंड इवन अगर स्कूल में, कई स्कूलों में होता है कि आप लोग अपने घर से होममेड राखी बना के लाइए, तो ये राखी आप अपने बच्चों को स्कूल में बना के भेज सकते हैं, काफ़ी अच्छी राखी है। अगर आपको ये राखी पसंद आए तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइएगा। सो गाइज, ये था मेरा आज का दिन आप लोगों के साथ, एंड आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कॉमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक करना,
चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एडवाइजेस आर मोस्ट वेलकम. गोलू. ओके गाइस, सो लास्ट थिंग ये है कि हमेशा की तरह व्यूज़ मेरे बहुत सारे यहाँ रहे हैं बट लाइक नहीं हो पा रहे हैं. आई डोंट नो क्यों ऐसा हो रहा है, बट अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए. एंड हाँ, मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. से बाय 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 के बाय. ओके गाइस, तब तक के लिए नमस्कार, शब्बा के सत श्री अकाल, खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टाटा.